नमस्कार, मैं आयुषी शर्मा आपका स्वागत करती हूं केकेआर न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। SRPM इंस्पायर एंड एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी संस्था की तरफ से लोगों को लॉकडाउन के पहले दिन से ही ज़रूरतमंदों के लिए 2500 भोजन के पैकेट एवं सूखा राशन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं, जिसके लिए खर्चों का सारा दायित्व संस्था निभा रही है। संस्था के सदस्य द्वारा निःशक्त जनों के लिए भी राशन के पैकेट वितरित किए गए हैं, जो कि सामाजिक न्याय विभाग के कमिश्नर द्वारा सूची दी गई थी, एवं संस्था अन्य लोगों को भी लगातार मदद कर रही है। साथ ही पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए सैनिटाइजर एवं जल और मास्क भी वितरित किए गए हैं। आगे भी संस्था अपना कार्य लगातार जारी रखेगी। सबसे पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम ओमवीर सिंह मीणा है जी। हमारी संस्था SRPM एस्पायर एजुकेशन का काम करती है पूरा जी। अभी COVID-19 में जो लोगों को दिक्कत आ रही है भोजन की, तो सभी जरूरतमंदों में सबसे पहले अपन प्योरिटी लेबर क्लास को रखा है जी। लेबर क्लास को अभी तक अपन डेली 2 से 2500 लोगों को खाना खिला रहे थे, पका हुआ भोजन। अभी साथ में हम लोगों ने प्रतिदिन 200 पैकेट सूखा राशन बांटना प्रारंभ किया है। अभी तक कहाँ बांट चुके हैं? अभी हम लोगों ने पूरा नया भोपाल कवर कर रखा है, जिसमें आपका जवाहर चौक, कोलार, चूना भट्टी, पिपलिया, आपका जाट खेड़ी, कटारा हिल्स, BHL और आनंद नगर, ये सभी एरिया शामिल हैं। और जो ये राशन आ रहा है कहाँ आप अपने? ये अपने स्वयं के उस मत से कर रहे हैं हम लोग जी। कितने लोग हैं आप लोग? अभी टीम अपने अपना 12-13 लोग हैं जी, है ना। बाकी संस्था जो अपना काम करती थी, जो भी वहाँ जमा पूंजी थी, उसी से हम लोग ये सारा। ये जब से लॉकडाउन हुआ तभी पहले दिन से हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। और आगे भी जब तक लॉकडाउन रहे तब तो यहाँ कोशिश रहेगी कि कार्य जारी रहे, लोगों तक, जरूरतमंदों तक खाना पहुँचा सके हम लोग। कैसे पता चलता है कि लोग जरूरतमंद हैं? एक्चुअली मेरा जो नंबर है थाने में, हम लोग प्रोवाइड कर रखे हैं जी। तो थाना सूची आ जाती है हमारे पास में कि आपके जो हितग्राही हैं, तो वहाँ पर हम लोग पहुँच जाते हैं।